बड़ी अजीब बात है, पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रही हूं, मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए, राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए, नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए, लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं, आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं, और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है, वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है, अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा, तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत, ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। और क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं ये भी बता दूं कि एक और चीज आप अगर सीख जाएं तो बहुत अच्छा होगा, जनता की आवाज सुनिए।